أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزيزان هم मौजू कज़ा व कद्र के सिलसिले में आखिरी मरहले में हैं, कज़ा व कद्र के आखिरी मरहले में. हम अब तक बता चुके हैं कि कज़ा व कद्र के गलत मानी कैसे बताकर इसे एक जंजाली मसला बनाया गया है, और उसमें कौन से अवामिल हैं हमने बता दिया कि तीन अवामिल हैं, उनकी तफसील भी बता दी. और उसके बाद हमने जो उनके गलत तफसीर कज़ा व कद्र की करने वालों के ख्यालात जो हैं उनके एक उनका एक पोस्टमार्टम किया, उनकी एनालिसिस की, उसका तज्जिया किया और साबित कर दिया कि उनके ख्यालात जो हैं ये हकाइक के बरक्स हैं, सही नहीं हैं. फिर हमने पिछले दर्स में बता दिया, बल्कि एक दो दर्स में, कि कज़ा व कद्र के सही मानी क्या हैं. हमने कहा कि कद्र के मायने हैं वो तमाम इल्लत व असबाब और मालूलात व मुसबबात का चेन जो है, अल्लाह ने एक ही वक्त मुकर्रर किया है दुनिया को कायम दायम रहने के लिए, तो उसे हम कद्र कहते हैं. और जब किसी चीज़ का सबब नमूदार होता है, वजूद में आता है, तो उसका मुसबब उसके साथ में हतमी बन जाता है, फाइनल बन जाता है, और इसी को कज़ा कहते हैं. गोया कज़ा तब वजूद में आता है जब ज़रूरी अवामिल मैसर आ जाए. ज़रूरी अवामिल मैसर आ गए हैं तो उसका नतीजा जो निकलता है वो लाजमन निकलता है. आग जल रही है, आप अपना हाथ या कोई चीज़ आग के ऊपर ले जाते हैं, आग में डाल देते हैं, तो हतमी नतीजा जो है वो कज़ा है, और वो ये है कि जल जाएगी. इसे कज़ा कहते हैं. और कद्र ये है कि आग जलाती है और जो चीज़ आग में डाली जाए वो जल जाती है, ये कद्र है. उसके लिए हमने कुरान की आयतें चंद एक बयान की. तो आज हम आखिरी नुक्ते की तरफ, बल्कि दो नुक्तों की तरफ आते हैं, और वो है नंबर एक, अहले तशिया का, यानी शियाने इसना आशरी का मखसूस एक अकीदा है बदा का. बदा क्या होता है, और इसके बारे में भी जो गैर शिया हैं वो एक तोहमत लगाते हैं कि शिया लोगों का अकीदा ये है कि अल्लाह से गलती हो जाती है, या ये कि अल्लाह भूल जाता है, या ये कि अल्लाह कई मामलों में जाहिल होता है, उसको पता नहीं होती है, और बाद में कोई चीज़ वजूद में आती है और अल्लाह एक नया हुक्म लाता है, और ये बदा है. हालांकि बदा नहीं है, हम इस चीज़ को बदा नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसा कहना कि अल्लाह किसी अमर से जाहिल था, कोई अमर नहीं जानता था, फिर एक वक्त में उसने जान लिया और अपना हुक्म दूसरे तरीके से जारी किया, तो ये तौहीद के तई अल्लाह के तई तोहमत है, और ऐसा कहना शिर्क है, ऐसा दुरुस्त नहीं हो सकता है. असल में बदा क्या है, जब गैर शिया यानी जो मुसलमान है गैर शिया, अगर वो ख़ुद भी सोचते, कुरान में एक ख़ास चीज़ है और वो है मिसाल के तौर पर नासिख व मनसूख. मिसाल के तौर पर कुरान में आप देखते हैं कई आयतें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं, कई अहकाम हैं वो मनसूख हो चुके हैं, यानी एक ज़माने में वो सही थे,
एक हुक्म था, बाद में अल्लाह ने एक दूसरी आयत के ज़रिए से उस हुक्म को मंसूख कर दिया। और यह है नासिख मनसूख का मसला, जो कि मुत्तफ़िक़ है तमाम मुसलमानों के अंदर। अगर तमाम मुसलमानों के अंदर मुत्तफ़िक़ है तो फिर हम क्यों ना कहें जो नासिख है ये अल्लाह के इल्म में अब आया, जो मनसूख है वो अल्लाह के इल्म में तब था। फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हम ऐसा कहेंगे तो वही बात होगी बदा की। तो लिहाजा जो चीज़ें गैर शिया हजरात बदा के बारे में है, वही चीज़ नासिख व मनसूख के बारे में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक ये नासिख व मनसूख का मसला जो है ये हुक्म तशरीय के बारे में है, हुक्म तशरीय यानी एक हुक्म पहले था कुछ मुदत तक शराब पिया जा सकता था मिसाल के तौर पर, और जब आयत तहरीम आ गई, आयत नाजिल हुई कि शराब हराम है, तो उसके बाद हाँ आप शराब नहीं पी सकते थे। गोया जब तक आयत ना उतरी तब तक मनसूख जो था वो जायज़ था, मनसूख शराब पीना जायज़ था। जो ही आयत उतरी तो ये मनसूख हो गया और उसका नासिख ये बन गया कि अब शराब हराम है। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि कुछ अवामिल होते हैं कारफरमा, कुछ अवामिल कारफरमा हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं मसलन किसी चीज़ के बारे में वो चल रहे हैं। कभी ऐसा होता है तबीयत में नेचर में कभी ऐसा होता है ये अवामिल जो कारफरमा थे ये एक एक करके मादूम हो जाते हैं, फिर ये अवामिल नहीं रहे। तो इन अवामिल का जो मुसबब था, ये कॉजेज थे, इनका जो इफेक्ट था मुसबब, सबब या असबाब और मुसबबात या मुसबब या मालूल या मालूलात, जब ये थे तब मालूलात भी थे, जब ये नापैद हो गए, नापैद मादूम हो गए, ख़त्म हो गए, तब मुसबबात और मालूलात भी ख़त्म हो गए। सीधी सी बात, सही समझ में आ रहा है ना? तो ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में पहले से है, जो कुछ इब्तिदाई कायनात से क़यामत तक होने वाला है वो सारे का सारा अल्लाह के इल्म में बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप खिड़की से बाहर देखते हैं और जो कुछ सामने है वो आप देख रहे हैं, वो आपके इल्म में है सब कुछ एट अ टाइम। आप समझ ना, आप उस गली पर भी नज़र डालते हैं, इस दूसरी गली पर भी नज़र डालते हैं, उधर भी उस कंपाउंड में इनके सहन में भी नज़र डालते, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन जो आदमी एक गली में होगा वो किसी दूसरी गली के बारे में नहीं देख सकता। यही हाल अल्लाह और उसकी मखलूक का है, उसकी मखलूक की नज़र, उनका फोबिया जो होता है, फोबिया जिस पर नज़र है उतना ही उनके नज़र में होता है, उतना ही वो जानते हैं। लेकिन जो ऊपर से देख रहा है वो सब कुछ उसकी नज़र में होता है। यही अल्लाह और बंदों का मसला है, अल्लाह सब चीज़ के ऊपर इल्म रखता है, देख रहा है सब कुछ, सब चीज़ के बारे में वो आलिम है, और चूंकि वही खालिक भी है लिहाजा जो चीज़ें भी खलक नहीं हुई उसने रखी हुई है खलक करना, उसने अपनी जगह मुशख्खस किया है कि फलां चीज़ इसके बाद वजूद में आएगी। एक आदमी है उसका एक बेटा आ जाएगा, वो बेटा भी उसके इल्म में है जो अभी नहीं आया है। तो गोया जो इब्तिदा से इंतहा तक होने वाला है और होने वाला है ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में होता है। अल्लाह के इल्म में नासिख भी है और मनसूख भी है, ठीक। लेकिन कायनात के अंदर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक ख़ास वक्त पर, एक ख़ास मौके पर जो कुछ है वो है, लेकिन जब वो बदल जाएगा, वो मनसूख बन जाएगा, उसके बदले नई सिचुएशन सामने आएगी, जो नए कॉजेज सामने आ जाएंगे तो वो नासिक बन जाएंगे, उनके मालूलात होंगे और वो मालूलात वजूद में आएंगे, ठीक है। यही हमारा मसले बदा है। ये हुक्म तशरी में ये कि पहले एक हुक्म था, फिर वो बदल गया और दूसरा हुक्म आ गया, हुक्म तशरी यानी शरा में अहकाम के अंदर, और दूसरा हुक्म तकवीनी, हुक्म तकवीनी ये है कि पहले कोई चीज़ थी
कोई चीज थी, और उसका नतीजा जो निकलना है निकलेगा, उसमें कोई बड़ा तजदीली सुनतला है तब्दीला, कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, होना है, जैसा कॉज होगा वैसा नतीजा होगा, इसमें कोई शक नहीं। एक बीमार है, इलाज करेगा शफा याब होगा, इलाज नहीं करेगा अगर मुहलक बीमारी हुई तो मर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुक्म तकवीनी में ऐसा है, तशरी एक चीज़, तकवीनी ये मरीज का बीमार होना और वो इलाज करे तो एक नतीजा, इलाज ना करे तो दूसरा नतीजा, ठीक है, ये तकवीनी बात। मिसाल के तौर इसमें एक मिसाल है, आपको मालूम है कि हमारे एक पैगंबर थे, बहुत ही उलुल अज़्म, बहुत उनके बारे में अल्लाह ने बयान भी किया है और हम कुरान में भी पढ़ते हैं, और वह हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं, बहुत बड़े मर्तबे के पैगंबर, बहुत बड़े मर्तबे के, ठीक। अब कहा जाता है कि उन्हें कभी गुमान हुआ कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, क्योंकि थे, शकी नहीं, नबी को आलिम होना चाहिए और वो थे भी आलिम, तो जो ही ये गुमान हो गया तो अल्लाह से वही आ गई, और वो ये आ गई, आप सफ़र कीजिए और ऐसी जगह पहुंच जाइए जहाँ के दो दरिया मिल जाते हैं, दो दरिया आके मिलकर एक साथ बहते हैं, एक ही दरिया बन जाते हैं। तो वो चले गए, कहाँ, वो फिलिस्तीन के करीब रहते थे, और वो कहाँ चल पड़े अपने साथी के साथ, और सफ़र के लिए साथ में मछली ले ली, और पकी हुई, तली हुई, मरी हुई, ठीक, साथ में ले ली तल के, कि जहाँ जहाँ हमें भूख लगेगी वहाँ वहाँ खाएंगे, ठीक है। और साथ में ये कहा गया था कि उस जगह तली हुई, बुनी हुई, पकी हुई मछली जो है वो ज़िंदा हो जाएगी। ये वाक़ा आपने कुरान में पढ़ा है कि पहुँचे वहाँ जहाँ फुरात और दजला आपस में मिल के आगे चला जाता, और कहा गया कि वहाँ आपको एक शख्स मिलेंगे, उससे कुछ सीख लीजिए। आप बहुत ही उल अज़म पैगंबर को किसी से कुछ सीखना है जो पैगंबर नहीं है, वो पैगंबर नहीं है, साहिब शरीयत भी नहीं है, साहिब किताब भी नहीं है, हज़रत मूसा को उसके यहाँ सीखना है। आप ये कैसी है, ये तो आयरनी है, सितम ज़रीफ़ी है। ये किस लिए है, ये इसलिए है कि हज़रत मूसा को पता चले कि मैं सब कुछ नहीं जानता था, जो मुझे गुमान हुआ कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ तो ऐसा नहीं था। आप पहुँचे एक जगह, वहाँ से उनको याद आए कि मछली खानी है, तो मछली नहीं थी, तो जो उसका मुलाजिम साथ में थे, आदमी साथ में, उसने कहा ओहो वो फलान जगह पानी में गई थी, और वो पानी में बिल्कुल ज़िंदा होके तैर के चली गई, मुझे भूल गया। उसने कहा वो वापस जाओ वहाँ, वही तो हमारा काम है। तो ये वापस आ गए, वहाँ पहुँचे, और वहाँ जब पहुँचे तो किसको पाया, हजरत खजर को पाया। हजरत खजर ने तीन काम किए, उसने कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपसे कुछ हासिल करूँगा, इस्तिफादा करूँगा। तो इस्तिफादा करूँगा तो उसने कहा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। उसने कहा मैं करूँगा सब्र, आप फिक्र न करें, मैं सब्र करूँगा, आपसे सीखूँगा कुछ। हज़रत खज़र ने कहा मुश्किल है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप में उतनी बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, ऐसा है नहीं। तो आप सब्र नहीं करें, जो आप मेरे पास देखेंगे वो आप सब्र मेरे काम पर नहीं करें। उसने नहीं माना तो कबूल किया, अब वो साथ चल रहे। क्या क्या काम किए, पहले किश्ती में सवार हो गए, और किश्ती वाली के अच्छी खासी किश्ती में छेद कर दी, ठीक है। और हज़रत मूसा कहते ये इसने क्या किया, वही नुकसान किया किसी दूसरे का, है भी सही। तो चल पड़े, कहा ये आपने क्या किया, इस बेचारे की किश्ती को ऐबदार बना दिया, अच्छी खासी किश्ती थी, आपने उसकी किश्ती में छेद कर दिया और किश्ती ख़राब हो गई, आपने ये क्या किया। उसकी मैंने कहा था ना आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो लिहाजा हमारी राहें जुदा। उसने नहीं 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 माफ़ी कीजिए, माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं सब्र करूँगा।
फिर एक लड़के को देखा, जब आप दूसरी तरफ चले गए बस्ती में, बस्ती में एक बच्चे को देखा तो खजर ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। तो कहे ओहो बेगुना बेखता एक बच्चे को मारा आपने कत्ल किया, ये क्या, ये कौन सी शरीयत है? उसने कहा था ना कि आप सब्र नहीं करेंगे, अब आप अलग हो जाइए। नहीं 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 आप नहीं, अब अगर दूसरी बार हुआ तब मैं अलग हो जाऊँगा। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, अब तो तीसरी बार, तीसरी बार क्या किया, एक दीवार थी वो तैयार थी गिरने को, उसको गिरा दिया, उसको गिरा के नए सिरे से बना दिया, नए सिरे से दीवार को खड़ा किया। उसी का लोगों का किसी की दीवार हमारे ऊपर क्या ये परेशानी, आपने मुझे हमें लगाया ये दीवार बनाने में, ये क्या? मैंने कहा था ना आप सब्र नहीं कर सकते और आपके आप मेरे साथ नहीं रह सकते। कहा अच्छा तो इन तीन सवालों का जवाब दीजिए। तो कहा कि सुनिए, किश्ती के बारे में, किश्ती बिल्कुल सही सालिम, सही सालिम किश्ती, हुक्म तकवीनी क्या है? हुक्म तकवीनी है सही और सालिम किश्ती। और बादशाह जो है वो बड़ा जाबिर बादशाह, और उसे ज़रूरत थी किस चीज़ की, किश्तियों की, और किश्ती वाली की किश्ती सही सालिम है वो भी ले जाएगा, ठीक है। उसने कहा जैसे यहाँ हुआ करता था ना पहले, महाराज जो है लोगों को बेगार पर लेता था, उस तरह वो किश्तियाँ लोगों की बेगार पर लेने लगा। खजर के अल में आ गया तो खजर ने किश्ती को ऐबदार बनाया ताकि उसकी किश्ती वो ना ले। गोया पहले सही सालिम किश्ती, नतीजा क्या, इम्कानी नतीजा ये कि बादशाह इसको लेगा, ठीक है। अब इसने खजर ने क्या किया, इस सही सालिम को ऐबदार बनाया, ऐबदार किश्ती, ऐबदार किश्ती। पहले एक अल्लत, उसका लाजमी नतीजा कि किश्ती ली जाएगी। अब हुक्म तकवीनी में अल्लत बदल गई, अब किश्ती का ऐबदार बन गई, और इसका नतीजा क्या निकलेगा, अब हुक्म भी बदलेगा। पहले हुक्म यह था किश्ती ले लो, अब हुक्म बन जाएगा कि किश्ती नहीं लेनी, ये ऐबदार है, ये हमारी किसी काम की नहीं है, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी मिसाल क्या है, एक बच्चा, बहुत खूबसूरत बच्चा, एक खूबसूरत बच्चा, बच्चा है बड़ा हो जाएगा। अब ये कॉज बच्चा, आगे नतीजा क्या है, एक जवान बन जाएगा, एक लंबा तरंगा जवान बन जाएगा और कुछ करेगा जो भी करना होगा। अब इसे क्या किया, इसको कत्ल किया, कत्ल जब किया कहा ये क्यों कत्ल किया, अब सबब बदल गया। उसने कहा ये बहुत नेक माँ बाप का बच्चा था, लेकिन इसे आगे बहुत ख़राब बच्चा बनना था और इसकी वजह से वो परेशान हो जाते, वो लोग इनके माँ बाप जो है वो परेशान हो जाते, और बजाय इसके कि उन्हें आराम मिलता, सुकून मिलता, वो परेशानी में मुबतला हो जाते, ठीक है। लेकिन गालिब है जब ये बच्चा नहीं है, एक सालेह बच्चा अल्लाह उनको बख्शेगा इसके बदले में, और वो जो बच्चा होगा वो उनके लिए आराम आसाइश और सुकून का सबब बन जाएगा, वो बच्चा जो आने वाला है, अभी नहीं आया, आने वाला है वो जी, ये बच्चा जो है ये पहला कॉज हुक्म तकवीनी में, ये इसने कॉज ख़त्म कर दिया, और इसके बदले उसके इल्म में है कि अल्लाह दूसरा बच्चा देगा वो पोटेंशियल रखता होगा साले बनने का। अब कॉज बदल गया, कॉज बदल गया, यही बदा है, बदा यही है कि जब एक सूरत होती है तो ऐसी सूरत में जो नतीजा निकलने वाला है तो उसे बदलने के लिए कभी हालात और अवामिल वगैरह बदल जाते हैं, तो लिहाजा नतीजा दूसरा निकलता है, ठीक है कि नहीं। ये अल्लाह के इल्म में दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें, लेकिन असबाब वो मुसबबात का जो सिलसिला है दुनिया में, इसी चीज़ को हम कहते हैं बदलता है हुक्म, पहला अम्र उसके अवामिल ख़त्म, दूसरे अवामिल वजूद में आ गए, जाहिर हो गए, नमूदार हो गए, तो जब दूसरा अम्र जारी होता है तो उसको इसी को बदा कहते हैं। और ये अल्लाह की जहालत वगैरह पर हम महमूल नहीं कर सकते हैं। तीसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, एक एक यतीम बच्चे
उनकी उनके मकान की दीवार गिरने वाली है, अभी वो यतीम है, ठीक है, उनकी उस दीवार के नीचे एक खजाना है, ये आपने सब, ये आप सब जानते हैं। तो अगर वो गिर जाती, खजाना नमूदार होता, लोग ले लेते, उनकी मिल्कियत ही लोग ले ले, उसने दीवार सही की, ताकि बहुत तब तक ये दीवार रहेगी जब तक वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो वो मकान वगैरह बनाएंगे, दीवार गिराएंगे, तो उनकी जो मिल्कियत है खजाना, वो खजाना उन्हीं को मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। आप एक सूरत में वो खजाना उनके हाथ से निकल जाता है, दूसरी सूरत यह है कि उसने खजाने को महफूज रखा और ये तसव्वुर किया कि वो बच्चे जो है उनको वो खजाना मिल जाएगा। तो गोया सूरत हाल बदल जाती है। अमर तकवीनी, हुक्म तकवीनी, हुक्म तशरी, हुक्म तशरी में भी नासिख व मंसूख का अमल दखल होता है, और हुक्म तकवीनी में यही सूरत हाल होती है, लेकिन उसे बदा कहते हैं। हुक्म तकवीनी में जो यही सूरत हाल होती है, ये वाली सूरत हाल, कि एक चीज अम्र अव्वल, अम्र अव्वल के बदले उसके बदले अम्र दोवुम, अम्र दोवुम या अम्रुस्सानी, अम्रुस्सानी ये खत्म हो जाता है, ये जारी हो जाता है, और इसको हम बदा कहते हैं, सही है। और जब ऐसा है तो इससे भी जाहिर हो जाता है कि कज़ा व कदर की वो तफसीर नहीं है जो कि मगरिब ने कज़ा व कदर की तफसीर बताई है, और या अहल जबर ने तफसीर बताई है, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ ये है कि कज़ा व कदर एक ऐसी चीज़ है, मुनजमिद, जमूद है, रकूद है, बदल नहीं सकता, नहीं बदल जाती हैं चीज़ें, चीज़ें बदल जाती हैं, कज़ा व कदर भी बदल जाती हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ यह है मसले बदा। फिर एक चीज़ की और चीज़ की तरफ हम आते हैं, और वो है मसले दुआ, दुआ का मसला। ये था नंबर एक, और नंबर दो हमारा मसला है दुआ। दुआ के बारे में कहते हैं अदुआउ, हाँ अदुआउ, सिलाह, अदुआउ सिलाहुल मोमिन, अदुआउ सिलाहुल मोमिन, दुआ जो है ये एक हथियार है मोमिन के पास। हथियार जो होता है उसका काम क्या होता है, हथियार से क्या करते हैं, जैसे ये मेरा एक हथियार है, ठीक है, मुख्तलिफ जो कारीगर होते हैं उनके लिए अलग अलग हथियार होते हैं। हथियार किस चीज़ के लिए होता है, कोई काम करने के लिए, जो ना थी वो करने के लिए, पहले ना था, पहले ना था, अब वजूद में लाने के लिए। गोया एक चीज़ मादूम थी, इस दुआ की बरकत से जो चीज़ अदम में थी या मादूम थी वो वजूद में आती है। आपके पास रोज़ी कुशादा नहीं थी, आपने दुआ की अल्लाह से मेरी रोज़ी में कुशादी अता फरमाया अल्लाह, तो आपकी दुआ अगर कबूल हुई तो आपकी जो रोज़ी है वो वाफिर मकदार में अल्लाह आपको बख्शता है, जो ना थी वो वजूद में आ गई, ठीक है। गोया एक चीज़ ना थी वजूद में आ गई, ठीक, और ये खुद इंसान से नहीं है, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, मुझसे मांगो, उदऊनी, उदऊनी हुक्म है अल्लाह का, उदऊनी मुझे मांगा करो, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझे मांगो मैं आपको आपकी इस्तिजाबत करूँगा, आपकी दुआ को कबूलियत बख्शूंगा, मुझे मांगो मैं कबूलियत बख्शूंगा। अब जो लोग मांगते नहीं हैं, जाहिर सी बात है कौन से लोग मानेंगे, जो समझेंगे कि अल्लाह देगा, ठीक है, जो समझेंगे अल्लाह देगा, यानी दूसरे लफ्जों में जो मुद्दई होगा दुआ करने वाला, उसे अपनी जगह यकीन है कि अल्लाह में कुदरत है, अल्लाह में कुदरत है मेरी दुआ को कबूल करने की, और जो आर करते हैं मांगने से,
मांगने में शर्म महसूस करते हैं, या ये कहते हैं कि अल्लाह को पता है आप क्या मांग रहा, अल्लाह को मेरी हाजतों का मालूम है, क्या वो नहीं जानता, फिर मुझे क्यों मांगना है। तो गोया अपने आप को अल्लाह के सामने वो झुकाने पर तैयार नहीं, और ऐसी चीज़ ना मांगना। अगर वो कहते हैं नहीं मांगेंगे तो ये किस चीज़ के तरफ महमूल होगा? हाँ जी, तकबूर पर महमूल होगी ये बात। तकबूर, मुझे मांगने की ज़रूरत क्या है, नंबर एक। और नंबर दो, इसका दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि मैं मानता हूँ कि अल्लाह जो है अल्लाह कादिर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल करे, उसमें कुदरत ही नहीं है, इसलिए मुझे क्या मांगना। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, नमाज पढ़ी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह और उठे और चले गए, दुआ वगैरह मांगने के लिए बैठते नहीं हैं। तो गोया उनका मतलब अल्लाह के तई उनके जो ख्यालात हैं वो फासिद हैं, अल्लाह के तई उनके ख्यालात फासिद हैं। अगर हम भी दुआ न मांगा करें, उसका मतलब है हम अल्लाह के तई अच्छा जन नहीं रखते हैं, हौसले जन नहीं रखते हैं, बद जन है, सूए जन है हमारे यहाँ, अल्लाह पे हमें यकीन नहीं है कि वो हमारी दुआ कबूल करेगा, क्योंकि कज़ा व कदर में जो है बस वही मिलेगा। गौर से समझिए, इसमें से दो तीन बातें निकलती हैं। एक बात ये कि मुझे क्या ज़रूरत है मांगने की, मेरे पास सब कुछ है, या ये कि मैं जब मांगूंगा अल्लाह से क्या देगा, उसने कज़ा व कदर तो मुकर्रर किया हुआ, अब नया क्या देगा मुझे। बातें कहाँ पहुँच गई, अल्लाह में कुदरत नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, अल्लाह में कुदरत नहीं, जो कुदरत थी वो उसने कज़ा व कदर में मुकर्रर कर रखी है और उसको बदल नहीं सकता। और ये तीनों चीज़ें बातिल हैं, इंसान तकबुर के काबिल नहीं है, इंसान तकबुर नहीं कर सकता, उसमें क्या है कि वो तकबुर करे। अय्यूब का एक मजमुआ, कम आएगी तही दस्तियों का मजमू है एक इंसान, एक फ़कीर है, एक मोहताज है एक इंसान, वो फ़कीर है अल्लाह की तरफ, अल्लाह से मांगने का मुस्तहक है वो, उसे मांगना चाहिए। तो ये तकबुर का दामन भी छोड़ना होगा और अल्लाह की कुदरत पर यकीन भी करना होगा। और नंबर तीन ये कि जो कज़ा व कदर की गलत तफसीर कि कज़ा व कदर बदल ही नहीं सकता, ये बदलेगा नहीं, जो है बस वही है, ये गलत तफसीर भी छोड़नी होगी। जब ये छोड़ेगा तभी अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी करेगा। अल्लाह का जो हुक्म है उदऊनी अस्तजिब लकुम, इस हुक्म की पैरवी करेगा तभी जब ये तीनों चीज़ें छोड़ देगा, दस्तबरदार होगा इन तीनों ख्यालात से, तीनों चीज़ों से, तकबुर से दस्तबरदार होगा, अल्लाह की कुदरत पर यकीन करेगा, अल्लाह के तई हुस्न जोन रखेगा, और फिर ये कि कज़ा व कदर की गलत तफसीर से दस्तबरदार हो जाएगा। जब ये सब चीज़ें होंगी तभी वो दुआ करेगा, जब वो ऐसी सूरत में दुआ करेगा खुदा ज़रूर उसकी इस्तिजाबत करेगा, उसकी दुआ कबूल करेगा। ठीक है, आज इतना ही, इंशाल्लाह कल इसको मसले को और आगे ले जाएंगे। वल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन।